नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना किसान यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना किसान भरत जाट। तो किसान भाइयों, जो गेहूं की फसल में यूरिया हमें कब देना चाहिए, पानी पिलाने से पहले देना चाहिए या पानी पिलाने के बाद में देना चाहिए, तो किसान भाइयों आदि बातों को लेकर आज का वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जब भी हम खेती बाड़ी से जुड़ी जब भी नई जानकारी लाएं, वह पहुंचे आपको सबसे पहले। जब भी किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल को दूसरा पानी देते हैं, तो किसान भाइयों एक एकड़ में आप 50 किलो यूरिया पानी पिलाने से पहले भी आप दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई 50 किलो यूरिया लेकर घर से आते हैं और किसान भाइयों एक ही बार में छिड़काव कर देते हैं अपनी फसल पर। तो किसान भाइयों, एक ही दिन में इतनी लंबी ज़मीन में किसान भाइयों पानी देना इतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि किसान भाइयों हमें ट्यूबवेल से या हम किसी भी सिंचाई के माध्यम से इतने जल्दी अपनी सिंचाई गेहूँ की फसल में दूसरा पानी नहीं दे पाते। तो किसान भाइयों, जो ज़्यादा मात्रा में यूरिया हमारे खेत में डल जाता है, तो वो किसान भाइयों रात को ओस के कारण किसान भाइयों आधा यूरिया आपका वायुमंडल में उड़ जाता है। जब आप दूसरे दिन अपनी खेत में पानी देते हैं अपनी गेहूं की फसल को, तो किसान भाइयों आपका जो यूरिया की मात्रा है वह कम रह जाएगी और जो आपकी फसल में किसान भाइयों पूरी तरह से यूरिया की मात्रा नहीं मिल पाने के, जो आपकी पैदावार है किसान भाइयों वह घट जाएगी। तो किसान भाइयों, हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप अपनी गेहूँ की फसल में पानी दें, तो किसान भाइयों यूरिया की जो मात्रा है वो 3 से 4 क्यारियों में आगे आप तुरंत देते रहें। साथ साथ में आप यूरिया देंगे तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल में यूरिया है वह आपको पूरी फसल में पूरी मात्रा में मिल पाएगा। और दूसरे कमेंट हमारे चैनल पे किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि हमें पानी पिलाने के बाद में हम यूरिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो किसान भाइयों, जब अपनी गेहूँ की फसल में आप दूसरा पानी देते हैं, तो किसान भाइयों आप बाद में भी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको किस प्रकार से कितने दिन के अंतराल में आपको यूरिया देना है, किसान भाइयों जब आप अपनी फसल को गेहूं की फसल को आज आप पानी पिला रहे हैं, तो किसान भाइयों यूरिया की मात्रा है वह कल आप यूरिया अपनी गेहूं की फसल में दे सकते हैं। यदि आप कल किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, तो किसान भाइयों आपको परसों आपको यूरिया का छिड़काव आपको अपनी फसल में करना है। यदि बहुत सारे किसान भाइयों तीसरे दिन या चौथे दिन अपनी फसल में यूरिया का इस्तेमाल कर हैं, तो किसान भाइयों जो जमीन है उसमें नमी खत्म हो जाएगी और वह यूरिया आपकी पूरी फसल को नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों आपको दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जब हम अपनी गेहूं की फसल में पानी पिलाने के बाद में यूरिया देते हैं, तो किसान भाइयों एक एकड़ में यदि आप पानी पिलाने से 50 किलो देते हैं, तो पानी पिलाने के बाद में किसान भाइयों आप 40 किलो भी आप अपनी गेहूं की फसल में यूरिया देते हैं, तो वह आपकी पूरी पूर्ति उतना 40 किलो ही कर देगा। तो किसान भाइयों, जो आपकी जो पूर्ति है वह 40 किलो से हो जाएगी। तो किसान भाइयों काफ़ी शानदार तरीके से दोनों तरीके सही हैं। पानी पिलाने के पहले आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो किसान भाइयों आगे आगे आप छिड़काव करते रहें और पीछे पीछे पानी पिलाते रहें। यदि आप पानी पिलाने के बाद में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो किसान भाइयों दूसरे या तीसरे दिन आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो किसान भाइयों आप अपनी गेहूँ की फसल में अधिक उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के जवाब में दे पाऊँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम खेती बाड़ी से जुड़ी जब भी नई जानकारी लाएँ, वह पहुँचे आपको सबसे पहले। तो किसान भाइयों, हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना किसान बदलते भारत की शान। Bye.
Ah, ah, ah.